रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डेस्टिक रिपोर्टर ऋशान अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बढ़ती हुई ट्रैफिक शहरियों के लिए अजाब बन गया। एंटी इंक्रोचमेंट सील रास्तों पर लगे खरीदो फरोख्त के स्टॉल को हटाने में नाकाम, ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से रोड ब्लॉक होना मामूल बन गया। दुकानदारों समेत दूर दराज से आने वाले लोग, इमरजेंसी अस्पताल जाने वाले मरीज, बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से सख्त परेशानी मुब्तला है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाके मेमन अस्पताल, क्लाथ मार्केट, पिंजरा पोल, फकीर का फील्ड, ग्रो नगर में बढ़ती हुई ट्रैफिक में शहरियों का जीना जंजाल कर दिया। जबकि कुछ माह कबल एंटी इंक्रोचमेंट सील की जानिब से फकीर की फिर से मेमन अस्पताल तक लगे स्टॉलों के खिलाफ कार्रवाई की, उनको हटाया गया। कुछ दिन गुजरने के बाद मुकामी दुकानदारों ने गैर कानूनी स्टॉल दोबारा कायम कर दिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जाम होना रोज का मामूल बन चुका है। जैसा कि इंक्रोचमेंट की नाकामी समेत ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से दुकानदार, दूर दराज से खरीदारी करने वाले लोग, इमरजेंसी अस्पताल जाने वाले मरीजों को दरपेश मसाइल से सख्त परेशानी का शिकार है। जबकि शहरियों का कहना है कि मुकामी इंतजामिया इस मसले पर नोटिस लेने को तैयार नहीं, जिसके बाद इलाका मकीन, दुकानदार, अस्पताल जाने वाले मरीज बेहद परेशान का शिकार है। हम हैदराबाद इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि क्लास मार्केट में गैर कानूनी स्टॉल समेत ट्रैफिक के बड़े हुए मसाइल पर फौरी तौर पर जाब्ता लाकर शहरियों को परेशानी से बचाया जाए।